हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है राउल्ट का नियम, और ये एक वैज्ञानिक थे। राउल्ट क्या थे? एक महान वैज्ञानिक थे, और इस राउल्ट के नियम का पहला नाम था फ्रैंकवा अज, ठीक है ना। वैज्ञानिक का नाम क्या था? फ्रैंकवा अज, यानी कि ये फ्रेंच के रसायन शास्त्री थे, और इस नियम को कब खोजे थे? तो सन 1886 ईस्वी में इस नियम को लागू किए थे, यानी कि अपने प्रयोग के माध्यम से। तो चलिए इस नियम को देखते हैं। कह रहा है, किसी विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलयन में विलय के मोल प्रभाज का गुणनफल होता है। तो देखिए, सबसे पहले वाष्प दाब क्या होता है, ठीक ना। तो वाष्प दाब वो होता है जो अगर हम किसी द्रव को नियत ताप पर गर्म करते हैं तो उस पर जो आरोपित दाब होता है उसको ही हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। अगर इसको आप परिभाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, किसी नियत ताप पर द्रव के वाष्प द्वारा आरोपित दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए, वाष्प दाब। अब देखिए, वाष्प दाब जो होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा कि विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा। ओके, तो अब देखिए इस नियम को कैसे उन्होंने प्रूव किया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मान के चले कि क्या कह रहा था कि किसी विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलयन में विलायक के मोल प्रभाज का गुणनफल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेंगे पी एस, एक से सूचित करेंगे इसको पी एस। पी एस को हम किससे सूचित करेंगे? तो विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब, यानी कि ये वाला को हम लोग विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब, इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? पी एस से। ओके, अब इसके बराबर में लिखेंगे एक्स, ठीक है ना। एस को हम किससे सूचित करेंगे? तो विलयन का, विलयन में विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है ना, विलयन में विलायक का मोल प्रभाज, इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? एक्स से। और फिर एक लेंगे पी, इसको हम पी टॉर ले लेते हैं, ठीक ना, इसको सूचित करेंगे इसको शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ओके, चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ठीक ना, इसको एक्स वन मान लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दे दिया हूँ कि पी एस को किससे सूचित करते हैं? विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब से, और पी टॉर को शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और एक्स वन को विलयन में विलायक के मोल प्रभाज, इसको हम सूचित करेंगे, ठीक ना। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम, देखो ये गुणा में है तो इसको हम क्या करेंगे, भाग इधर भेज देंगे। ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। तो सेम उसी तरह कर देंगे, पी एस बटे पी टॉर बराबर क्या हो गया, एक्स वन हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया कि ये आपका समीकरण दो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण दो को दोनों तरफ, यानी कि समीकरण जो जो दो है इसमें क्या करेंगे कि एक घटाएंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समीकरण दो में दोनों तरफ तरफ एक घटाने पर, एक घटाने पर, ओके, एक घटाने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा कि इसको हम घटाएंगे एक, तो ऐसे बन जाएगा ये, नहीं कुछ तो यहाँ पर एक बराबर है, तो बराबर एक्स वन माइनस एक ऐसे करके हो जाएगा सेम। ओ, एक घटाना है, ठीक ना, एक घटाना, तो एक ऐसे, ठीक ना, वो ये ऊपर हो जाएगा,
एक समय से इसको घटा देंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब इसके आगे गुना भाग जो करना है आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पीटू आर लघुत्तम ले लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीटू आर माइनस पी एस बराबर में क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स वन। अब इसको हम लोग कहेंगे समीकरण टू, इसको हम एक नया नाम ही रख देते हैं, ठीक ना, एक्स टू। इसको हम लोग नया नाम क्या रख दिए, एक्स टू। अब सेम यहीं तक था जो कि हम यहाँ से कर दिए। यहाँ पर तो पहले हम मान लिए थे कि पी टू आर को हम कैसे सूचित करेंगे, यहाँ पर बस यहाँ पर गुना में था तो इसको हम भाग में कर दिए, ठीक है, इधर से उधर कर दिए। अब समीकरण दो, ये समीकरण दो हो गया और उसमें से एक घटा दिए दोनों तरफ, इधर भी एक घटा दिए और इधर भी एक घटा दिए, तो हमारा क्या समीकरण निकल के आ गया, ये पी टू आर माइनस पी एस बटे पी टू आर बराबर वन माइनस एक्स वन। इसको हम नया नाम क्या दे दिए, एक्स टू। तो यहाँ पर आपका एक्स टू, ये एक्स टू जो है ये क्या हो गया, ये हो गया बिलियन में विलय का मूल प्रभाज, बिलियन में विलय का मूल प्रभाज। ओके, अब जो पी टू आर माइनस पी एस ये जो है वो हो जाएगा वाष्पदाब का अवनमन, अब नमन। और ये तीनों ये क्या हो जाएगा, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक, अवनमन। बस इतना ही आपको लिखना है, पांच में पांच मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लीजिए और इसको आप लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, तो जो कि मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया हूँ। बस आपको ये याद रखना होगा, बस आपको मान के लिख देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।